एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी लवली एंड वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी ठीक हूँ। एंड ठंड तो अभी अच्छी लग रही है, आज ठंड है। एंड यू कैन सी द वेदर आउटसाइड। मैं थोड़ी देर बाहर आई थी, मतलब विंडी है, हवाएं भी चल रही हैं एंड इसके बाद फिर धूप भी है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी ये मेरे घास पे धूप आ रही है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। कोई भी देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप है। सो मैं कर्टन्स को ऐसा लगता है यहाँ पे बैठो, बैठ के चाय पियो। सो अभी मैं अपनी मॉर्निंग टी ले रही हूँ, जो कि है ब्लैक टी विद जैगरी। गुड़ खाना, और गुड़ लेना बहुत अच्छा है। विंटर को तो आप गुड़ लेते लेना ही चाहिए हमको। खाने के समय भी, जैसे कि आप लंच करते हैं या फिर लंच के समय एक गुड़, आप गुड़ का टुकड़ा या फिर ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। शुगर से मोटे होते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज अभी निकले हैं। बट हाँ, शुगर से थोड़ा सा गैस हो जाता है, ये मुझे मालूम है। यही है। एंड वीकेंड्स में आप सबके प्लान क्या है? ठंड है, बहुत सारे प्लान होंगे। वीकेंड में सब घूमने जाइए बाहर, लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं। सो मेरी बेटी भी पढ़ रही है, उसकी तो लाइफ ऐसी ही है। अभी सुबह उठ के उसके सर आए हैं, वो मैथ्स ही पढ़ती है। एक ही ट्यूशन है जो वो जाती है, मतलब पढ़ती है, वो है मैथ्स। बाकी सारे सब्जेक्ट्स ही मैं ही उसको पढ़ाती हूँ। मुझे थोड़ा सा निकलना भी है, कुछ कुछ काम है बाहर के। सो आई गेस देखती हूँ कैसा क्या होता है। स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते रहिए एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप सैटरडे संडे, विंटर का जो वार्म वार्निंग है, मॉर्निंग है, उसके बाद विंटर की जो व्यू है, आप बहुत अच्छे से लीजिए। धूप में बैठिए, धूप लेना बहुत जरूरी है। बच्चों को लेके धूप में बैठ के हैव टी एंड हैव कॉफी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते रहिए, देखते हैं आज दिन भर। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए कि आज वीकेंड में मॉम एंड डॉटर कैसे सेलिब्रेट कर, मतलब कैसे करते हैं पूरा दिन भर, हम लोग क्या कैसे स्पेंड करते हैं पूरा दिन। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस, मेरी बिल्ली भी अभी, मतलब बिल्ला, इसको हमेशा मैं बिल्ली बोलती हूँ, तो बिल्ला मेरा अभी गोद में है। वो अभी, इसको ठंड लग गई है ना, इसलिए दिन भर अभी घर में ही रहता है। बाकी तो बाहर में जाता है घूमने के लिए, फोटो वगैरह करने के लिए। बट मतलब लड़का है तो मारपीट भी करता है बाहर जाके। बट अभी ठंड है ना, तो दिन भर क्या करता है, ये गोद में रहता है मेरे और मेरी बेटी के। मतलब मेरे तो उतना ज्यादा नहीं, मुझसे थोड़ा सा डरता है, क्योंकि बदमाशी जब करता है तो मैं उसको पकड़ के पिटाई कर देती हूँ या डांटती हूँ। तो पिटाई तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब डराती हूँ। बाकी तो अभी ठंड है ना, इसलिए दिन भर घर में रहता है, सोफा में सोता है और दिन भर मेरी बेटी के पास ही रहता है। अभी इसको सुबह से इसका स्नैक्स हो गया है, अभी इसको चाहिए फिश, फिश के लिए बैठा है। मैं फ्रिज खोलती हूँ, उसको पता चल जाता है कि फ्रिज में उसका फ्रिश फिश है। तो वो जहाँ कहीं भी रहे घर में, जैसे ही उसको आवाज आती है फ्रिज की कि मम्मा फ्रिज खोल रही है, वो तुरंत भाग के जाता है। उसको मालूम है कि फ्रिज से अभी उसकी फिश निकलने वाली, मछली निकलने वाली। गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, मेरे बिल्ले का। हाँ, अभी तो उसने फिश खा लिया है, खाने के बाद अभी ये बेटी के पास है। अभी मतलब पूरा सो ही चुका है, मतलब हाइबरनेशन में चला गया है ये। इसको भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं बैक कैमरे में आपको दिखाती हूँ। सो ये हालत है उसका, सामने देखी। हाँ, अब ये हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं, ऐसे ही उसको पड़ा रहेगा। जहाँ भी देखो उसको, मतलब जहाँ भी आप देखेंगे उसको वो पड़ा ही रहेगा। अभी सोफे के ऊपर, टेबल के ऊपर, कहीं भी। और एकदम देखिए, वो हिलता भी नहीं है अभी। मतलब उसको जैसे जिस हालत में आप फेंक देंगे अभी वैसे ही लेटा रहेगा। ये हाल है। मजेदार सी चीज आपको दिखाती हूँ मैं। मैंने मेरी बिल्ली को दिया था इसमें फिश, ठीक है। अब इसमें ना एक, देखिए, छोटा सा क्रैब था इसमें। उप्स, ये एक देखिए, यहाँ पे छोटा सा क्रैब है, छोटा सा, छोटू सा। सो उसने क्या किया ना, उसने सारी मछलियाँ खा ली है, क्रैब को छोड़ दिया। हम लोग को इतनी हंसी आई कि क्रैब नहीं खाएगा, उसको सिर्फ फिश ही चाहिए, तो क्रैब को छोड़ दिया। कितना क्यूट सा क्रैब है ना, आई गेस दिख रहा होगा। ये देखिए कितना क्यूट सा है। सो इतना हम लोगों ने छोटा देखा नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा मैं उसको रख दूँ कहीं पे।
देखिए गाइस क्या कर रहा है। मेरी बेटी बोलती है मम्मा एसी की लाइफ बहुत अच्छी है, हाथ धो लेती हूँ पहले। मेरी बेटी बोलती है मम्मी एसी की लाइफ अच्छी, देखिए सिर्फ खा लेती है, खा लेता है और बस सो जाता है। कोई बोली, मैंने कहा नहीं, इन लोगों का भी लाइफ स्ट्रगल है, बाहर जाके लड़ाई करना पड़ता है, इन लोगों का ट्रिब्यूटरी रहता है, इन लोगों का सब एरिया रहता है कि मैं यहाँ का दादा हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, अभी बिल्ली को लेके मतलब ऐसा है कि क्योंकि इसको लेके ना दिन भर मतलब कैसे गुजर जाता समझ में नहीं आता, तो इसको लेके ना ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचते हैं अभी। देखिए इसको भी धूप अभी पसंद है, इतना ओबीडियंट है इतना ओबीडियंट बच्चा है। मैं सबको बोलती हूँ कि धूप में थोड़ा सा बैठना चाहिए, तो इसीलिए ये भी अभी धूप में बैठा है। मेरी बेटी भी बैठी है, इसलिए ये भी यहाँ पे धूप में बैठ के मतलब धूप धूप की सिकाई ले रहा है। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और मैं जल्दी जल्दी अभी खाना बनाऊंगी। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सिंपल सा डिश, बहुत सारा कुछ नहीं बनेगा बिकॉज बहुत सारा चिकन मटन मेरी बेटी ने अभी पूरे वीक में खा लिया है। तो अभी आज मैं बनाऊंगी फिर भी चिकन मटन नहीं, बट अभी बनेगा पनीर बटर मसाला। ये रेसिपी आप देखते रहिए, ये वाला बहुत ही ईजी एंड वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। जो बच्चे पनीर नहीं खाते वो डेफिनेटली खाएंगे। पनीर बटर मसाला इन अ वेरी क्विक वे मैं बनाने वाली हूँ आज। सिर्फ दोपहर को बनेगी पनीर बटर मसाला एंड चपाती, और कुछ भी नहीं खाएंगे एंड सैलड, क्योंकि डेली 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 ना मतलब अच्छा नहीं लगता। सब्जी बनाओ, सब्जी क्या सब्जी खाएं, डेली सब्जी सब्जी नहीं अच्छा लगता, कितनी भी अच्छे से बना लो। टुडे ओनली पनीर बटर मसाला एंड चपाती। चेकआउट द आप देखते रहिए मेरे साथ आज की रेसिपी। मैंने लिया है यहाँ पे ये कितना करके है, 3 पनीर लिया है मैंने यहाँ पे, 3 पैकेट लिया है। दीज आर ऑल 200 grams, मतलब 600 ग्राम है। मेरी बेटी को पनीर बहुत बहुत पसंद है, वो दिन रात पनीर खाती है, तो दिस पनीर इज़ जस्ट फॉर हर। मैं एक ही बार खाऊंगी क्योंकि मुझे पनीर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पनीर का वो टेक्सचर ही मुझे नहीं अच्छा लगता, बट स्टिल कैल्शियम के लिए थोड़ा सा खाना पड़ता है। 3 पनीर है, और इसमें मसाला मैं सबसे पहले मसाला बनाऊंगी, मसाला इज़ द ओनली पार्ट। उसके बाद फिर आप जस्ट पनीर को वहाँ पे डाल सकते हैं, आलू को थोड़ा सा, अगर आप चाहे तो आलू डाल सकते हैं, वो छोटी है तो थोड़ा आलू खाना पसंद करती है। अगर आप खाते हैं तो फिर आलू को आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आलू को दूँगी। तो गाइस यहाँ पर मैं आलू को कट दूँगी, पहले आलू को फ्राई करेंगे। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ना बहुत लोग क्या करते हैं कि पनीर को भी फ्राई कर लेते हैं आलू के साथ, बट पनीर को फ्राई मत कीजिए क्योंकि पनीर का जो वो रहता है ना, गुंड रहता है, वो चला जाता है। डोंट फ्राई इट, पनीर को कच्चा ही रखिए। और लास्ट में जब वैसे भी आप जब सब्जी में मतलब जब मसाले में डाल देते हो ना, मसाले में सब नमक वगैरह रहता है, वो धीरे धीरे रहते रहते ठंडा होते रहते तक पूरा मसाला अंदर चला ही जाता है। पनीर को ना फ्राई कीजिए, पनीर को ऐसे ही रखिए। मैंने भी ऐसे कच्चा ही काट के रख दिया, क्यूब बना के काट के रख दिया। उसके बाद फिर जब सब मसाला बन जाएगा, उसके बाद फिर हम पनीर को उसमें डालेंगे।
गाइस यहाँ पे आलू फ्राई हो गया, मैंने निकाल लिया। अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे यहाँ पे डाल के ना, जो मसाला हमने पेस्ट किया था ये वाला एकदम सब इसमें डाल दीजिए धीरे धीरे। अब इसमें डालेंगे नमक, डालेंगे मिर्ची, ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है और टेस्टी करके बनाने से ना बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये सब डाल के और इसमें देंगे हम, और कुछ भी कोई वो नहीं देंगे यहाँ पे। जीरा पाउडर डालेंगे, और एक जीरा पाउडर मैंने डाल दिया। धनिया नहीं डालेंगे इसमें, लहसुन भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे देखा होगा अपने मसाले में मैंने अदरक डाला था, लहसुन नहीं। इसके बाद ये सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक मसाला है जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इसका, जिसके कारण ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वो है एवरेस्ट का किचन किंग मसाला। इसको इसमें डालना ही है, नहीं तो फिर वो फ्लेवर नहीं आता। ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जल ना जाए। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, नहीं तो इतना सारा मसाला है ना पूरा वो हो जाएगा, जल जाएगा। थोड़ा मसाला यहाँ पे डाल के, पानी डाल के आप इसको ढक दीजिए। इसको थोड़े देर के लिए हम रख लेंगे, इसको एकदम सिम कर लेंगे ताकि अच्छे से मसाले बन जाए। सो मसाला रेडी है, ऑयल निकल आया है देख रहे हैं। सो इट्स रेडी नाउ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा दूध। मेरे को मेजरमेंट पता है इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। आप अगर एक गिलास डालते हैं तो हाफ ग्लास दूध और हाफ ग्लास पानी होगा, क्योंकि ये पनीर बटर मसाला है तो उसमें मिल्क पड़ता है कोई भी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ मिल्क एंड थोड़ा सा पानी, ये दोनों को ही देना पड़ता है। आप अगर ग्लास में मेजर करते हैं तो हाफ कप पानी एंड हाफ कप मिल्क, ये दोनों को दे के आपको बहुत अच्छे से इसको बॉईल करना है। ये बॉईल होगा बहुत अच्छे से। अगर जैसे ही ये दूध और जो पानी है ये बॉईल होने लग जाए ना, आपको इसमें डालना है गरम मसाला। गरम मसाला जो कि मैं हैंडमेड है, मैं हैंड पाउंडेड है, मैं घर ही में बना लेती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कुछ भी ऐसे खड़े मसाले जो हों मैं घर पे बना लेती हूँ। उसको ड्राई रोस्ट करके आप दालचीनी, इलायची एंड लौंग, ये तीनों को आप ड्राई रोस्ट करके आप बना के रखिए। जो मेन मतलब बेसिक जो मसाला है उसको बना के आप रख सकते हैं घर पर फ्रीज करके, मतलब बहुत दिनों तक स्टोर करके। यही है। तो ये मैंने बना के यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर दूध में जैसे ही उबाल आता है मैं इसको डालूँगी, देन बस खत्म हो गया। बहुत जल्दी बन जाता है। इसके बाद आप आलू डालिए, पनीर डालिए, खत्म। बाल आ गई है। अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूंगी आलू, क्योंकि मैं एक हाथ में मेरा फोन है तो डालना बड़ा मुश्किल है। किचन में ना शूट करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे क्योंकि मैं एक हाथ से डाल रही हूँ, एक हाथ से मेरा कैमरा है, तो धीरे धीरे मैं पनीर को भी यहाँ पे डालूंगी। पनीर मैंने डाल दिया एंड हो गया। अब इसमें मैंने जो गरम मसाला बोला था वो गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से। मिर्ची डालती हूँ बिकॉज आई लव मिर्ची एंड बस इसको थोड़ा सा मसाला अंदर जाने तक वेट करेंगे, थोड़ा सा रख देंगे। बन चुकी है ऑलमोस्ट। ये पनीर बटर मसाला है तो बटर तो डालना ही है लास्ट में। आप बहुत अच्छे से बटर डालिए, मैं तो बहुत सारा खूब सारा बटर डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको टेबल स्पून कहेंगे तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बटर डाल लिया है लास्ट में एंड दैट्स इट। बन चुकी है हमारी पनीर बटर मसाला। बस मसाले को आपको बनाना रहता है, उसके बाद फिर मसाला होने में बनने में जितना टाइम लगता है बस बटर डाल के आप इसको उतार दीजिए। एंड रोटी पराठा जिस किसी के साथ भी आप ठंडी में बहुत अच्छा लगता है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी शाम हो गई है, रात हो गई एक्चुअली। मैं थोड़ा बाहर निकली थी, जैसे कि मैंने बोला था कि सुबह मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, क्योंकि
अभी नहीं है मेरे को, ये सब बाहर का जो भी काम रहता है सैटरडे संडे को करना पड़ता है। सो मैं बाहर निकली थी एंड उसके बाद आने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा कुछ मतलब रील्स बनाना था। सो मैं आज आपको दिखाती हूँ मेरा सेटअप कैसा रहता है, कि रील्स बनाने का भी सेटअप मैं जो पूरा रेडी करती हूँ उसको मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे। सो जब भी आप मेरे को ऐसा देखेंगे आप समझ ही जाइएगा कि मेरा रील्स हो रहा था। सो रील्स मेरा भी बनाना हो गया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, पूरा सा तो नहीं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि रील्स का जो सेटअप है वो कैसा होता है। वेट, बैक कैमरा भी दिखाती हूँ। गाइज दिस इज़ द सेटअप, छोटा सा सेटअप। सो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे टीवी रहता है, बिकॉज इसका जो ये LED TVs हैं तो इसके क्या होता है ना, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो उसमें क्या होता है, आप अगर इसको फ्रंट में रखते हैं, इसको बैक में रखते हैं ना, तो फिर लाइट का बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है। सो लाइक यू कैन सी यहाँ पे लाइट्स जैसे हैं, येलो लाइट, ये येलो लाइट है। अब अकॉर्डिंग टू मेरे उसके हिसाब से देखिए और ज़्यादा येलो हो गया, देन ये थोड़ा वाइट हो गया। सो इस तरीके से ना लाइट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सो एक एक रील्स में ना, ये देखिए मैं कंटिन्यूसली लाइट चेंज कर रही हूँ, तो मेरा लाइट चेंज होता है, चार है शायद, यस लाइट ऐसे ग्रीन करके चार पाँच है। सो दिस इज़ इट। तो ये है, मेरे को चेंज कर करके करना पड़ता है एंड इट्स वेरी टायरिंग गाइज, क्योंकि टायरिंग इसलिए है ना क्योंकि आप पहले तो एक लाइट में करते हैं, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि इस लाइट में ठीक लग रहा था कि नहीं, ये ड्रेस के कॉम्बिनेशन के साथ वो वाला लाइट ठीक जा रहा है कि नहीं, या दूसरे लाइट के साथ जा रहा है। तो कंटिन्यूअस करके ना चार बार, मतलब चार बार तो करना ही पड़ता है मिनिमम, उससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इट्स वेरी टायरिंग। कभी कभार तो मेरे को भी बोर लगता है। ये अलग बात है कि रील्स मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना, बिकॉज आई लव म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। तो म्यूजिक के फॉर्म में जितने भी सारे चीज़ें होते हैं, वॉट एवर एक्टिविटीज इज रिलेटेड विथ म्यूजिक, आई लव टू डू दैट। मतलब बी इट डांसिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी एक्टिंग और म्यूजिक। सो ये सब मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो कब तक कंटिन्यू कर पाऊँ, बट अभी तक क्रेज़ है, करते जा रही हूँ। जब क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, बोलते हैं ना, हर कोई भी चीज़ वो नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ से आप ऊब जाते ही हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैं तो पता नहीं, म्यूज़िक से मैं बोर नहीं होती कभी, बिकॉज म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, मैं म्यूज़िक के बिना रह नहीं सकती। मुझे नहीं लगता ये मेरे को बोर लगेगा करके। एनी वेज आई एम ट्राइंग कि हो जाए ये वाला होता रहे। सो इट्स गुड ना, बिकॉज इट्स अ पैशन। अगर कोई पैशन के थ्रू यू आर अर्निंग नथिंग लाइक इट, मतलब क्या होता है ना कि हम काम करते हैं, बहुत तरीके के काम है, ये है, बट दैट दोज आर लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। मीन्स व्हेन वर्क बिकम्स योर, देखिए कंपल्शन तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि हर जगह में तो आप अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते हैं कि पैशन में ही काम करें, वहाँ पे शायद सब ऑप्शन ना मिले हर जगह। बट ये है कि अगर लकीली आपको ऐसा कुछ मिल जाता है कि थ्रू योर पैशन यू कैन अर्न मनी, नथिंग लाइक इट। तो ये मेरा पैशन है, म्यूज़िक इज़ माई पैशन, म्यूज़िक, डांस, एवरीथिंग, मतलब आर्ट्स। मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ, मैंने 15 साल क्लासिकल डांस सीखा है। क्लासिकल मीन्स भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नहीं, कथकली, सॉरी। आई वॉज इन कॉन्वेंट स्कूल में थी, तो केरलाइट, इट वॉज रन बाई केरलाइट, सो कथकली मैंने सीखा था। टोटल 15 ईयर्स का वो था। गाना भी मैंने सीखा था, बिकॉज ऑफ दिस सीखा नहीं था, गाना नहीं सीखा था, स्कूल में सिखाते थे, तो क्लासिकल डांस मैंने ज़रूर सीखा था, बट ये गाना मैंने नहीं सीखा था। गाना इज़ इनबॉर्न टैलेंट हमारे घर में, सभी गाते, हम भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं, तो बस यही है। इसीलिए तो क्या होता है ना कि म्यूजिक इतना ज्यादा पैशन है, सो म्यूजिक से रिलेटेड इफ एनीथिंग कम्स टू माय लाइफ, दैट बिकम्स माय प्रायोरिटी, दैट बिकम्स माय क्रेज। सो इफ आई एम अर्निंग थ्रू दिस इंस्टाग्राम, इट्स नथिंग लाइक इट। सो अभी तक तो ये है, एंड वो अर्निंग का भी टैग जुड़ चुका है, तो और ज्यादा इफेक्टिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट्स इट गाइज, सो मैंने वही आपको दिखाया। एनीवेज मेरी बेटी सो रही है, थोड़ा सा सो गई है वो, एंड मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ गाइज। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल, एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल, एंड हैप्पी संडे एडवांस में बोल रही हूँ, कल संडे है, सो हैप्पी संडे। बहुत मस्ती कीजिए, घूमिए, संडे मतलब विंटर संडे है, मीन्स ऑन गो टू लॉन्ग ड्राइव, हैव फूड, गो टू डिफरेंट प्लेसेस, एंजॉय विथ योर पार्टनर्स, विथ योर फैमिलीज एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एवरी डे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।